वेट हो गया ओवर और हमें पता चल चुका है कि जो मकाउट की एग्जामिनेशन है या फिर किसी भी चीज़ की एग्जामिनेशन है वेस्ट बंगाल में, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगी। उसके बारे में उन्होंने खबर दे दिया है। वो एग्जामिनेशन ऑट सेम की कंडक्ट नहीं होगी, मतलब होगी तो वो होगी कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन। कैसे होगी इसके बारे में कोई खबर नहीं है, पर खबर जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। दैट इज़ कि ऑनलाइन में होगा एग्जामिनेशन और कॉलेज नहीं खुलेगा, क्योंकि हॉस्टल खुलने से कोरोना का जो चाप है वो बढ़ जाता है। इसके बारे में आप लोग इसे देखें। एग्जिस्टिंग ऑड सेमेस्टर जेटा 16 दिसंबर शुरू हुए थे, তার পরীক্ষা আগামী মার্চ মাসে হবে। পঠন পাঠন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি অনলাইনের মধ্যে মাধ্যমে সমাধান হবে। হোস্টেল এই মুহূর্তে इसमें न्यूज़ के द्वारा हमें ये पता चलता है कि गाइस जो है अभी नहीं खोला जाएगा। 16 दिसंबर से जो मैक्सिमम कॉलेजेस का शुरू हुआ था पठन पाठन, ये पटा पूटी जो भी उनका कहना है गाइस, वो जो चल रहा है, पठन पठन का मतलब होता है बैठना, और आपका जो कॉलेज है वो नहीं खुलेगा। तो आप लोग अभी कर सकते हो मज़े, और साथ में गाइस आप लोग के पास है कुछ खुशखबरियों की अच्छी घड़ी, जैसे कि आप लोग अभी अपने घर में कुछ तैयारी व्यारी करना चाहो तो ज़रूर करें, कुछ सीखना चाहें तो ज़रूर सीखें, इस समय को बर्बाद ना करें। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट होगा। तो मेरे आप ख्याल से गाइस जो है जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। इसका जो कारण है, बैकग्राउंड कारण, ये मुझे पता है, दैट इज़ कि इलेक्शंस की बात आई है। बट यहाँ पर मैं आप लोग को कहूँगा, सारे स्टेट्स खुल चुके हैं, क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं ये भगवान ही जाने। तो गाइस ये आपको न्यूज़ अच्छा लगा ये ख़राब लगा ये ज़रूर बताएं। मुझे भी लगता है ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। ये वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ को बताएँ और इजहार करें अपने जो भी राय है।